बेटा हुआ है। कब एक्शन फिल्में नहीं करना चाहते? क्या क्रिश वो सुपरहीरो फिल्म होगी जिसका हम सभी को इंतजार था? क्या हमें क्रिश के अलावा फिल्म में कोई और सुपरहीरो देखने को मिलेगा? क्या क्रिश अकेले दुश्मनों की सेना का मुकाबला कर पाएंगे? हेलो दोस्तों, मैं पलक गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राफ स्टूडियोज में, और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म क्रिश 4 के बारे में। अभिनेता ऋतिक रोशन, जो कथित तौर पर अपनी सुपरहीरो श्रृंखला क्रिश की चौथी किश्त के लिए तैयार थे, अब एक आगामी कॉमेडी फिल्म में दिखाई देने की संभावना है। अभिनेता वर्तमान में 3 से 4 फिल्म स्क्रिप्ट के साथ मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी एक्शन शैली को जारी रखने से पहले एक कॉमेडी फिल्म करना चाहते हैं। रिपोर्ट्स में एक्शन थ्रिलर फिल्म की भी उल्लेख किया गया है, जो अभिनेता द्वारा 2021 की अंतिम तिमाही के क्रिश 4 से पहले किए जाने की संभावना है। वहीं सबसे अधिक संभावना वॉर के सीक्वल पर भी काम करने की है, लेकिन यह सिद्धार्थ आनंद की आगामी फिल्म शाहरुख खान के साथ शुरू होगी। अब बात करते हैं क्रिश 4 की, और सूत्रों के अनुसार ये फिल्म सबसे बड़ी साईफाई फिल्म हो सकती है। मेकर्स ने सुपरहीरो फिल्म को और दर्शकों की उम्मीद से बढ़कर होने का दावा किया है, जिसकी हर कोई बॉलीवुड में उम्मीद कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस शैली के साथ बॉलीवुड का सफल इतिहास नहीं है। पिछली सुपरहीरो फिल्म जो हमें बॉलीवुड ने दी थी वो थी फ्लाइंग जट, जो बॉक्स ऑफिस पर आधे मुंह की गिरी थी। फिल्म उतना असर नहीं डाल सकी, लेकिन दर्शकों को इस फिल्म से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि श्रृंखला की पिछली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट थी और दर्शकों ने भी इसका भरपूर आनंद लिया। जितना प्यार और प्रशंसा इस फिल्म को प्राप्त हुई थी, उतनी ही और लोग भी थे जिन्होंने फिल्म यानी इसके ग्राफिक्स, VFX और अन्य बारीकियों की भी आलोचना की। फिल्म में दिखाई गई कुछ चीजें ज्यादा मौलिक नहीं थी और दर्शकों के अनुसार यथार्थवादी नहीं थी, इसलिए इस बार राकेश रोशन ने दावा किया है कि इसमें अतिरिक्त प्रयास किया गया है। कहा जा रहा है कि ये वह हॉलीवुड के एक्शन फिल्म निर्देशकों के साथ काम कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि एक्शन फिल्म का स्तर हॉलीवुड पर बेजोड़ है, इसलिए यह तभी मान्य है जब राकेश रोशन ने इस फिल्म को सफल बनाने के लिए कुछ बेहतरीन एक्शन निर्देशकों के साथ करार किया हो। ऋतिक रोशन के लिए विशेषण प्रशिक्षण भी ले रहे हैं, और ये अपनी हर प्रशंसकों की उम्मीदों और राकेश रोशन द्वारा दिए गए दावों से मेल खाने के अतिरिक्त अभ्यास करना पड़ रहा है। वैसा भी ऋतिक अब अपने ज्यादातर स्टंट्स खुद ही करना पसंद करते हैं। क्रिश और क्रिश 3 के लिए भी उन्होंने अपने ज्यादातर एक्शन सीन्स खुद ही किए। उन्होंने उनके लिए विशेषण परीक्षण भी लिया। अब क्रिश 4 के साथ एक बड़ी चर्चा पैदा हो रही है और दर्शकों को इससे अधिक उम्मीद है। ऋतिक चुनौती लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और इससे एक बड़ी सफलता बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने के लिए तैयार हैं। राकेश रोशन कुछ बेहतरीन अभिनेताओं की तलाश में हैं जो नकारात्मक भूमिका निभा सके। ऋतिक फिल्म के सुपर हीरो हैं, लेकिन नकारात्मक भूमिका निभाने वाले अभिनेता की भूमिका भी उनसे टक्कर खानी चाहिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इसके लिए निर्माताओं की पहली पसंद थे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी पक्का नहीं हुआ है। लेकिन मुझे लगता है अगर नवाजुद्दीन नेगेटिव किरदार निभाते हैं तो इससे फिल्म में 4 चांद लग जाएंगे। वर्तमान में नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं, और हमने उसे कुछ बेहतरीन परियोजनों में काम करते देखा है। गैंग्स ऑफ वसेपुर, किक और बदलापुर में उनका नाम जबरदस्त था, और उनने ये काम भी इतना मस्त किया कि मूवी पूरी हिट हुई है। हम कल्पना कर सकते हैं कि वे इस मल्टी स्टारर फिल्म में नकारात्मक भूमिका के लिए कितने उपयुक्त होंगे। टाइगर श्रॉफ को भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ नकारात्मक भूमिका के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन अफवाहें कुछ समय बाद भी अफवाहें मात्र ही रह गईं। उन्हें वॉर में ऋतिक के साथ स्क्रीन साझा करते देखा गया था, और उन्होंने फिल्म को सफल बनाने में वास्तव में अच्छा काम किया। पिछले फिल्म में वे खलनायक के खिलाफ एक साथ लड़ रहे थे, अब हमें ये देखना बाकी है कि वे एक दूसरे के खिलाफ कैसे लड़ते दिखेंगे। दोनों को उनकी एक्शन फिल्मों के लिए जाना जाता है। ये पूछे जाने की टाइगर श्रॉफ ने कहा कि ऋतिक के साथ एक एक्शन फिल्म करना उनके लिए सौभाग्य की बात है, जो एक्शन शैली के लिए बहुत अच्छी तरह से जाने जाते हैं। हम नहीं जानते कि क्या हम ऋतिक को फिर से फिल्म में एक डबल रोल में देख पाएंगे।
लेकिन संभावना है कि हम उन्हें डबल रोल निभाते हुए देख सकते हैं। आखिर फिल्म के अंत में रूप में देख सकते हैं हम रोहित मेहरा, जो क्रिश के पिता को फिल्म के खलनायक द्वारा मार दिया गया था। फिर हम क्रिश के बेटे को भी पैदा होते हुए देख सकते हैं और फिल्म में आखिरी दृश्यों में क्रिश के बेटे के पैदा होने के ठीक बाद हवा में उड़ते हुए दिखाया गया था। हालांकि हमें उनके बेटे का चेहरा देखने को नहीं मिला, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि क्रिश के बेटे की भी भूमिका ऋतिक को स्वयं निभानी पड़ेगी। ये भी कहा जा रहा है कि फिल्म एक नया मोड़ ले सकती है, जहां समय की भी यात्रा दिखाई जाएगी, जहां क्रिश को समय में वापस जाने और अपने पिता रोहित मेहरा को जीवित लाने के लिए देखा जा सकता है, जो संभवतः है हमें ऋतिक द्वारा एक ट्रिपल भूमिका देखने को मिल सकती है। हम बस इंतजार कर सकते हैं समय यात्रा की इस अवधारणा के साथ निर्माता इस फिल्म को एक ऐसा कोण देना चाहते हैं जो बॉलीवुड द्वारा पहले कभी कवर नहीं किया गया है। हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे बॉलीवुड में भी सुपर हीरो जो हॉलीवुड की तरह टक्कर दे सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो की स्क्रिप्ट पल्लवी शाह ने लिखी है।